हाय, कैसे हैं आप सब लोग? मजे में? हम भी मजे में। अभी खाना नहीं बना, खाना आज थोड़ा सा लेट ही हो गया, अभी तक नहीं बना। अभी मैं बना रही हूँ सोल कढ़ी। मैं इस नारियल में से नारियल का गोला निकाल लूँ पहले, फिर सोल कढ़ी बनाती हूँ। तब तक मैं गार्लिक छील लेती हूँ। कैसे बनाते हैं सोल कढ़ी, इसकी रेसिपी तो आप देख लेना उधर, इजीली निकल जाता है वैसे ये। और जब भी मैं कहती हूँ कि इजीली निकल जाता है, कभी इजीली नहीं निकलता है। जब भी मैंने कहा ना इसको कि ये बहुत इजीली निकल जाता है इस तरीके से, सच में इसने ना मेरे को बहुत परेशान किया नारियल में। ज्यादा अच्छे तरीके से निकल ही जाता, थोड़ा सा इसको रोस्ट मतलब उस पर रख लो तो इजीली ये निकल गया। वो वाला इतना आसानी से नहीं निकलता। और ये तो कई बार मैंने पूरा पूरा गोला भी निकाला है इसकी, पूरे की तो मैं वैसे भी नहीं बनाने वाली क्योंकि हम तीन ही लोग हैं और एक एक ग्लास ही पियेंगे बस, ये और ये बस इतने का ही बनाऊंगी। आइए छोटा वाला तो नहीं का खाली, चल जाओ खाओ। अब खाना भी बना अभी तक भी, आज मैं बहुत लेट हो गई। बस वन टीस्पून जितना ही ऑयल है क्योंकि इसमें भी तो काफी फैट है। अच्छा ये है ना वेट लॉस के लिए तो बिल्कुल नहीं है, बट यस सुपर हेल्दी है, सुपर हेल्दी, सुपर डुपर हेल्दी। रेसिपी शॉर्ट्स में चली जाती है एक्चुअली। मैं सोचती हूँ कि रेसिपी व्लॉग ना ही बनाऊं तो अच्छा है, ब्लॉग को ब्लॉग ही रहने देते हैं, कुकरी शो नहीं बनाते। पर अभी क्या करें, लॉकडाउन में किचन में ही रहना है बस, और कहाँ जाना है। अभी तो बहुत हेल्दी ड्रिंक है, मतलब देखा जाए तो एक तरीके से कोकोनट मिल्क ही पी रहे हो आप। सो मच हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ कोकम। देखो ये मम्मी का है, पापा का है, मीनू का, छोटे बच्चे का कम। चलो हम पी लेते हैं, देखते हैं मीका को पसंद आता है कि नहीं। मीका ये लो सोल कढ़ी पियो, बताओ कैसी लगी। अच्छी है ना, यम्मी है। चलो गुड, पापा को भी दे देती हूँ। टेस्टी है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मिनी का थोड़ा नाक बहुत सिकोड़ती है, पर हेल्दी चीज़ उसको तो पीनी तो पड़ती ही है। आज तो साइक्लोनिक इफेक्ट है यहाँ पे, तो कोई धूप वूप नहीं है, सुबह तो बारिश भी हुई थी। सोल कढ़ी तो पी ली हमने, इन्होंने चला रखी है एक्टर मोहन लाल विश्वनाथन की, क्या नाम है बच्चे का, बिग ब्रदर, बहुत अच्छी पिक्चर है, देखना आप लोग कभी मौका मिले तो। हम लोग हर लैंग्वेज की मूवी देखते हैं और ये नहीं कि डब भी देखते हैं, हम लोग तमिल तेलुगु मलयालम हर लैंग्वेज में देख लेते हैं नीचे सबटाइटल के साथ, मजा आता है हमको देखने में। आजकल हमको ये सब मूवीज ही पसंद आती है, नाम नहीं लूंगी मतलब हिंदी इतना मजा नहीं आता। या तो इंग्लिश देख लो या तमिल तेलुगु मलयालम। अब मैं जाऊंगी पिक्चर देखूंगी और मैं चढ़ा देती हूँ दाल बाटी फटाफट से। ये ना बाटी का ओवन है, आई थिंक लिट्टी भी, लिट्टी बनाने के लिए भी यही ओवन, हम तो यही ओवन यूज करते हैं और हम लिट्टी भी बनाते हैं और बाटी भी बनाते हैं। लिट्टी में तो क्या होता है मसाला भरा होता है और बाटी जो हमारे राजस्थान की होती है उसमें मसाला नहीं होता। और इसको आटे को गूंदने के लिए मैंने कहते इतने में मैंने कम से कम आधा कटोरी घी डाला है, नमक डाला है बस, और चाहो तो सौंफ भी डाल दो। बिल्कुल लो फ्लेम में करके चढ़ा दूंगी, आधा घंटा चढ़ती रहेगी फिर पलटती रहूंगी ऐसे ऐसे गोल 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 करके, ये ऐसे बस चढ़ा दूंगी। ठीक है, मैंने आज सिर्फ पोहा बनाया ब्रेकफास्ट में, फिर हमने ड्रिंक तो पहले पी लिया वो सोल कढ़ी। सोल कढ़ी बहुत हेवी होती है इसलिए भूख नहीं लग रही, उसको कभी भी कोई वेट लॉस ड्रिंक समझने की गलती ना करे, बिल्कुल भी नहीं है। बट ऐसा भी नहीं होता ना कि वेट लॉस करते करते आप अपनी हेल्थ ही भूल जाओ, हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। ये भी खाना कोई वेट लॉस नहीं है, ये सब आपके टेस्ट के लिए। इसे मैं इस पे चढ़ा दूंगी और इसको बीच बीच में आके इसको स्लो कर देती हूँ एकदम लो, और हो गया। फॉर्म किया है, क्या हो गया, क्या बन रहा है? दाल बाटी। दाल बाटी पसंद है ना मेरा को, पसंद है दाल बाटी, इसको लिट्टी पसंद नहीं, हमको लिट्टी भी पसंद है।
अभी तो खा, अभी वो पिया ना बेटा, सोल करे सोल कोकोनट का कल खाना। यहाँ चढ़ा के मैं जाती हूँ उधर, प्याज लहसुन टमाटर सब बैठी बैठी छील लेती हूँ, बस फिर छोका ही लगाना हो गया मेरा। बन रही है बाटी, इसको बार बार ना ऐसे पलटना पड़ता है, जब इसमें ना हल्के हल्के क्रैक्स आ जाएंगे ना तब समझो कि ये हो गई। दाल भी बन गई और ये बाटी भी बन गई, देखो क्रैक्स आ गए ना इसमें, इसमें क्रैक आ गया, इसमें भी आ गया। जैसे ये कपड़ा लिया मैंने और ऐसे ऐसे फोड़ दूंगी, और ये घी में मैंने डाल दिया इसको ऐसे। मैं कितना ही वेट लॉस रिजाइम पे रहूं लेकिन मैं घी खाना नहीं छोड़ती कभी भी, घी खाना किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। हो गई हमारी थाली, अधूरी है पर ठीक है, अभी तो मैं खा लेती हूँ, जाके देखो पिक्चर में क्या क्या हुआ, अभी तक पता ही नहीं चला मुझे, तो खाना ही बनाती रह गई मैं। क्या हुआ? गरम है हमारा तो हो गया खाना, नीका का चल रहा है अभी। कैसे बैठी है देखो, खाना भी खा लिया, सो भी गई, अब मैं पेंटिंग करती हूँ। आपसे मैं करती हूँ, देखो मेरे साथ साथ मीका भी करती है। मीका ने खुद बनाया, क्या बनाया? रूस्टर। हाँ। शो। अभी हाँ क्या बताऊँ आपका, मेरे पेंटिंग। हाँ मीका ने भी पेंटिंग करी थी मेरे साथ साथ, देखो कितनी प्यारी पेंटिंग है, खुद नहीं करी थी। और मेरे को इस पेंटिंग को करने में ना मेरी बैन बज गई एक्चुअली, हाँ बहुत टाइम लग गया, क्योंकि ये देख रहे हो कैसे बुनी हुई है ना ये, तो वो प्रॉपर मेरे से आ नहीं पाया। अब ये है ना, इसको मैंने यहाँ तो ऐसे कर दिया, यहाँ मैं ऐसे ही रख रही हूँ इसको, अब मैं इसको किचन में सुंदर सा टांग दूंगी कहीं पे। तो फाइनली बन गई मेरी पेंटिंग, मतलब हो गई इस पे पेंटिंग, अच्छी लग रही है, वैसे बुरी लग रही, अच्छी लग रही है, इसको किचन में टांग दूंगी मैं। तो अगर आपको मेरी पेंटिंग अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दो और शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, और फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय। मीका आपको बाय बोलना है? यस।